वेलकम माई YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? मुझसे मिले, मैं हूँ सोनिया साले एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल। चलिए जी, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की जो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, मोस्टली जो लड़कियाँ हैं वो कह रही थी कि आपने ऑयली स्किन के बारे में तो काफ़ी कुछ बताया है, ड्राई स्किन के बारे में नहीं बताया। तो आज जो है वो रेमेडी ड्राई स्किन के लिए भी है और ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए भी है। तो जिनकी स्किन ऑयली है और जिनकी स्किन ड्राई है, मैं टोटली रिकमेंड करूँगी कि वो ये रेमेडी ज़रूर जो है ये फेस पैक ज़रूर ट्राई करें। तो थोड़े दिनों बाद जो है वो आपको खुद ब खुद जो है ना वो रिज़ल्ट 100% जो है ना वो मिल जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, मतलब जो भी ऑर्गेनिक आप बाहर से प्रोडक्ट यूज़ करोगे या आप घर पे जो है रेमेडीज़ जो है फेस पैक वगैरह यूज़ करोगे, उसका रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, सिर्फ रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। कंटिन्यूसली जो है वो यूज़ किया करें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं आता जो आने मतलब जो आना चाहिए होता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो एक यहाँ पे मैं चीज़ बता दूँ कि जो भी कोई रेमेडी यूज़ करेंगे या ऑर्गेनिक जो सीरम वगैरह, ऑर्गेनिक क्रीम्स वगैरह कुछ भी यूज़ करेंगे, तो उसको आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट देते देते एक महीने का टाइम लग जाता है। क्योंकि जो स्किन होती है उसको आदत नहीं होती किसी नेचुरल चीज़ों की। आप मेडिकेटेड क्रीम यूज़ जो कर लो किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर, किसी भी रिकमेंडेशन के ऊपर, तो आपको उसके रिजल्ट जो है वह फौरी तौर पर मिलते हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे उसको छोड़ोगे, साइड इफ़ेक्ट्स उसके सामने आ जाएंगे और जो रिजल्ट्स हैं वो फिर से मतलब उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। जितना आप इसको यूज़ करोगे लॉन्ग टर्म तक आपको फ़ायदा देगी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करें, चाहे वो आप मार्केट से परचेज़ करो चाहे वो होम रेमेडी हो, तो उसको प्रॉपर जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है उसको किया करें। तकरीबन जितना टाइम रिकमेंड होता है उसको किया करें, कंटिन्यूसली किया करें, तब भी ही रिज़ल्ट जो है वो सामने आते हैं। लड़कियां, मोस्ट लड़कियां क्या करती हैं कि एक हफ़्ता यूज़ कर लिया, डेढ़ हफ़्ता यूज़ कर लिया, उसके बाद जी थक के हार के बैठ गई। ऐसे रिजल्ट सामने नहीं आते कंटिन्यूसली। तरीके से बताया जाता है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट जो है 100% गारंटी के साथ जो है वो आते हैं, लाजमी आते हैं। ठीक हो गया, चलिए आप चल के पहले देख लेते हैं ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन, उसके बाद जो है बाकी मैं आपको चीज़ें जो बाद में बता देती हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, फिर बाद में कोई चीज़ जो है वो स्किप हो गई तो फिर बाद में रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे जो आने चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। ड्राई स्किन के लिए हमने सबसे पहले है लिया है एलोवेरा जेल, उसके बाद मेल क्रीम यानी कि मलाई, और उसके बाद हमें इसके लिए चाहिए चुटकी सी हल्दी। ठीक हो गया जी। और हमने इस ऑयली स्किन के लिए सबसे पहले लेना है ऑटमेल 2 टेबल स्पून, उसके बाद और हनी मतलब शहद 1 चम्मच, और उसके बाद रॉ मिल्क यानी कि अनबॉयल, बॉयल नहीं किया होना चाहिए दूध, ये इसका भी 2 चम्मच। चलो जी फ्रेंड्स, ड्राई स्किन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल, जो कि मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। आप कोई भी ऑर्गेनिक या कोई भी स्टोर से जो मिलता है जेल वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो जेल लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर मलाई भी 1 टेबल स्पून ही ली है। बेसिकली ये मलाई जो होती ही ड्राई स्किन वालों के लिए है जो कि मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चुटकी जो है वो हल्दी यूज़ की है। हल्दी जो है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, हमारे स्किन के ऊपर बनने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो दानों बनने का सबब होते हैं या जो स्किन डैमेज करने का सबब बनते हैं, वो इनके लिए बहुत मुफीद है। उस डेड स्किन को जो है वो हल्दी रिमूव करती है। यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को लेकर अच्छी तरह से जो है उसको ब्लेंड कर लिया है चम्मच के साथ, क्योंकि मलाई जो है वो ब्लेंड करते थोड़ा सा टाइम लेती है। तो आपने अच्छी तरह जो है वो मलाई को इसके साथ बाकी चीज़ों के साथ जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जब ये एक जैसे हो जाए मटेरियल, तब ही आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने हैं। यहाँ पे मैं आपको अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। बेसिकली मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, ड्राई नहीं है, तो आई थॉट कि मैं आपको जो है वो है अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करके दिखा दूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आपने अपना हाथ जो है सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लेना है। अब यहाँ पे चलते हैं ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए हमें चाहिए रॉ मिल्क यानी कि अनबॉयल दूध तकरीबन 2 चम्मच। ठीक हो गई जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑट मिल्क लिया है। आप ऑट मिल्क को जो है वो ब्रिक पीस लें पहले तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हनी का लिया है और इसको जो है हमने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पर मैं ये भी पेस्ट जो है मैं अपने हाथों पर ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसको हमने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और पहले आपने इसको 10 मिनट जो है वो ऐसे ही लगा रहने देना, लगा के मतलब छोड़ दें पहले 10 मिनट। उसके बाद जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाए उस देन उसके बाद जो है आपने इसको स्क्रबिंग मतलब जैसे स्क्रब को
अब करते हैं राउंड सर्कल शेप में, आपने इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना है स्किन के ऊपर से। ठीक हो गया जी, तकरीबन 20 से 15 मिनट जो है आपने इसको अपने स्किन के ऊपर लग रहने देना है, दम सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लेना है। और ये जी इसका रिजल्ट है, मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया था अपने हाथ पे, तो ये इसका रिजल्ट आपके सामने है। आपने जो है वीडियो देख ली है, ड्राई स्किन की लड़कियां जो ड्राई, जिनकी जिनकी स्किन ड्राई है, जिन खवातीन की जो स्किन ड्राई है वो ड्राई चीज़ें यूज़ करें, और जिनकी ऑयली है वो ऑयली यूज़ करें। बेसिकली ये मौसम भी ऐसा है जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, और जिनकी स्किन ड्राई होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो उसका एक ही हल है, आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ किया करें अपनी चीज़ों में। मैंने एक लास्ट मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने सीरम बनाना बताया था, और वो ऑल टाइप स्किन के लिए है, और ड्राई स्किन के लिए भी है और ऑयली स्किन के लिए भी है। तो मैं आपको लास्ट में सबको रिकमेंड करूँगी वो ज़रूर ज़रूर अप्लाई करें। ठीक हो गया, उसके बाद जो ये आपने इसको किस तरह इस तरीके से अप्लाई करना है, आप अपने आप को तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो है वो आप अपने फेस पैक के लिए जो है वो टाइम दे दो तो बहुत होगा। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर जो आहिस्ता आहिस्ता जो वो रिजल्ट्स आप चाह रहे होते हो कि इन चीज़ों से वो नहीं आते, क्योंकि इन चीज़ों को, ये सारी ऑर्गेनिक होती हैं, ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, तो नेचुरल चीज़ों को फेस के ऊपर रिजल्ट आते आते टाइम लगता है। क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हम लगाते हैं मेडिकेटेड, या जिन लोग जो लोग ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं पहले से, उनको ये लाजमी पता होगा कि ऑर्गेनिक का रिज़ल्ट एक लेट आता है, लेकिन अगर आता है तो क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, 100% आता है, और उसमें ये चीज़ होती है कि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया जी, तो ये लाजमी ट्राई करना, ऑयली स्किन भी और ड्राई स्किन गर्ल्स भी, ये दोनों के लिए है। चले जी, रिज़ल्ट कैसे आया, रिज़ल्ट क्या आया लाजमी शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं। वीडियो पसंद आई होगी, चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।